अपने जाने पछाने लोगों की फिल्म लगेगी कि हाँ ये करैक्टर जेड़े आ ये साडे दे विच ही विचरते हैं, ये नहीं कोई आसमान तो कोई टपके नहीं, वो लगता है साडा गुआंढी आ साडे पिंड दा दूजे बन्ने दा ये बंदा, वो उस तरह के लोग तुहानूं लगणगे। फिल्म अपनापन दिसेगा। दीप बाई दी फिल्म आखिरी फिल्म आप कह सकते हैं क्योंकि प्रॉपर जे एक कह सकते हैं कंप्लीट फिल्म है तो ये आखिरी फिल्म है, तो बाई दे नाल तुसीं मूवी कीती आ उन्हां दे नाल जुड़ के कोई एक्सपीरियंस होवे जिहड़ा तुसीं शेयर करना चाहुंदे हो, जां कोई अजिही गल कि जिहड़ी दीप बाई दी तुहानूं वक्री सिद्धू दे नाल जुड़ी हुई कि जिहड़ी तुसीं दर्शकां नाल सांझी करनी चाहुंदे होवो, क्योंकि दीप बाई बेशक अज साडे विचकार नहीं पर बहुत सारे लोग अजे भी ने जिहड़े उन्हां नूं प्यार करदे ने। शूट चल रहा सीगा और मैं पुलिस ऑफिसर प्ले कर रहा उस और एक लोंग वॉक से उस डायलॉग सेगा और जो डायलॉग खत्म होया पहली रिहर्सल सी दीप ने कहते मेरे बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए और आई कुड फील कि मैं जिस तरह एक ऑफिसर के नाल ही चल रहा जो योजी एप्रीशिएशन थोड़े को आर्टिस्ट वालों मिलती है तो बहुत ही हौसला अफजाई होंगी है, अच्छा अच्छा लगता है। याद कहूँगा कि इस फिल्म में जो असी सिर्फ एक इमोशनल एंगल तो देखिए कि दीप सिद्धू की लास्ट फिल्म है ये तो दीप ज्यादती होगी, हालांकि इमोशनली असी जुड़े तो है ही उस चीज़ के नाल, सानू जिहड़ा एक जिस चा दे नाल वो फिल्म बनाई गई है उहदे हिसाब नाल इस फिल्म नूं देखना चाहिए, जिहड़ी ट्रू एक तरह की श्रद्धांजलि होएगी दीप नूं। रंगला टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जी, मैं हां सुखप्रीत सिंह। अज फिल्म साडे वाला दा ट्रेलर है जिहड़ा रिलीज़ किया गया भाई दीप सिद्धू की आखिरी फिल्म है और फिल्म दे विच काफ़ी जिहड़े किरदार ने और हंडे हुए किरदार आप कह सकते हैं कि इस मूवी दे विच देखण नूं मिलणगे, तो उन्हां विचों एक किरदार ने महावीर भुल्लर जी, आप उन्हां नाल गल्लबात करते हैं कि फिल्म दे विच उन्हां दा की किरदार होएगा, किस तरीके की जिहड़ी फिल्म है। सत श्री अकाल जी, उहदे बारे कुछ नहीं दसना, वो 29 अप्रैल नूं पता लगेगा, बस इन्ना है कि साडे वालियां दी फिल्म है, तुहानूं अपने जाने पछाने लोगों की फिल्म लगेगी कि हाँ ये करैक्टर जेड़े आ ये साडे दे विच ही विचरते आ, ये नहीं कोई आसमान तो कोई टपके नहीं, वो लगता है साडा गुआंढी आ साडे पिंड दा दूजे बन्ने दा ये बंदा, वो उस तरह के लोग तुहानूं लगणगे। फिल्म विचों अपनापन दिसेगा। फिल्म च अक्सर मिर्च मसाला थोड़ा ज़्यादा लाया जाता कबड्डी के उत्ते आधारित, फिल्म दिख रही है कि काफ़ी ज़्यादा कबड्डी नाल रिलेटेड जी, बैकग्राउंड है बेसिकली फिल्म जी रिश्तों के आधारित हैगी, दो परिवारों के जी आपसी खहबाजी उस चीज़ को दिखाई जा जी जी, वो खहबाजी कुछ भी जो कारण होया जिस करके भी हुई है, लेकिन वो बच्चे जोड़े आ दो दोवों के वो कबड्डी खेलते और जी कबड्डी खेड है वो उन्होंने लागे लै आती है और वह चीज़ जी दोवों परिवारों के एक मौके के उत्ते दोवे परिवारों आलमोस्ट लागे लै आते हैं, फिर एक यहोजी घटना घटती है कि फिर एक दूजे तो दूर हो जाते हैं। दीप बाई दी फिल्म आखिरी फिल्म आप कह सकते हैं क्योंकि प्रॉपर जे एक कह सकते हैं कंप्लीट फिल्म है तो ये आखिरी फिल्म है, तो बाई दे नाल तुसीं मूवी कीती आ उन्हां दे नाल जुड़ के कोई एक्सपीरियंस होवे जिहड़ा तुसीं शेयर करना चाहुंदे हो, जां कोई अजिही गल कि जिहड़ी दीप बाई दे विच तुहानूं वक्री लगी। वह फिल्म का जिड़िया भी फिल्म तीन चार चार कीतियाँ वो सारे दे प्रोड्यूसर सीगा, लेकिन जो सैट के उत्ते सीगा वो अपने आप नो मतलब एज एन एक्टर रत्ती पर भी डिस्टर्बेंस नहीं सी कोई इस काम की, ना यही कि बिचों ही अभी कम करना फाइनेंसर वाला देखना ये देखना वो देखना, नहीं नहीं नहीं, वो जदों जदों सैट से कम कर रहे उदों अपने काम वाल ध्यान देंगे, दैट वॉज द प्लस पॉइंट। कोई याद होवे दीप सिद्धू दे नाल जुड़ी हुई कि जिहड़ी तुसीं दर्शकों नाल सांझी करनी चाहुंदे होवो, क्योंकि दीप भाई बेशक अज साडे विचकार नहीं ने पर बहुत सारे लोग अजे भी ने जिहड़े उन्हां नूं प्यार करदे ने जां जिहड़े मनदे ने कि दीप भाई अजे भी दूर नहीं होया, तो वो हजे बहुत सारे लोग अजे ने कोई अच्छी वरह वो चीज़ कह चुका। मैं जोरा दा शूट चल रहा सीगा और मैं पुलिस ऑफिसर प्ले कर रहा उस और एक लोंग वॉक से उस डायलॉग सेगा और जो डायलॉग खत्म होया पहली रिहर्सल सी दीप ने कहते मेरे बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए और आई कुड फील कि मैं जिस तरह एक ऑफिसर के नाल ही चल रहा, जो योजी एप्रीशिएशन थोड़े को आर्टिस्ट वालों मिलती है तो बहुत ही हौसला अफजाई होंगी है, अच्छा अच्छा लगता एक याद बन के रह जाती उस चीज़। तो 29 अप्रैल में फिल्म हुण रिलीज़ होने जा रही है, दर्शकों नूं की सुनेहा देना चाहोगे कि लोग ये फिल्म क्यों देखण, कि दीप सिद्धू के कारण ही फिल्म देखण जां फिर स्टोरी दे नाल रिलेटेड इस चीज़ को देखना चाहिए। मैं कहूँगा कि इस फिल्म में जो असी सिर्फ एक इमोशनल एंगल तो देखिए कि दीप सिद्धू की लास्ट फिल्म है ये तो दीप दे नाल ज्यादती होएगी, हालांकि इमोशनली असी जुड़े तो है ही उस चीज़ के नाल, सानू
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਰੂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਏਗੀ ਦੀਪ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੋਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਛੋਟਾ ਦਾਇਰਾ ਵਾ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਪਲੇ ਸੇਫ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੌਸਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਹਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਟ ਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੌਮੇਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਈਦਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੋਵੇ? ਪੂਰੀ ਡਾਇਲੋਗ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਕੁਛ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਲੋਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਿਊ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਿਊ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹ ਵਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਮਹਾਂਵੀਰ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਿਲਮ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਟੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਟੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਸਮੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ।